नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आप जानना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, किसी भी स्थिति में हो लेकिन आप अपनी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल का कार्ड, द फूल का कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन सोच रहे हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो या सेपरेशन में हो या दूर रह रहे हो या बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी, आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिश्ता, पहले जो आप लोगों का रिश्ता था ये बहुत ही अच्छा रिश्ता था, एक बिंदास टाइप का रिश्ता था। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, ज़ीरो से आप लोगों ने रिश्ते को शुरू किया था। आप लोगों में बहुत प्यार था, अपनापन था, आप किसी के रोक टोक से रोकने वाले नहीं थे। आप लोगों ने रिश्ते में नई शुरुआत किया था और आप दोनों ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया रिश्ते में कि उनको या फिर आपको इस रिश्ते से बाहर जाना पड़ा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद आपके रिश्ते में पैसा है, प्यार है, सब कुछ होते हुए भी रिश्ते में परेशानी क्यों है? हो सकता है कोई और इस रिश्ते में इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर किसी की बोलने से, किसी की मदद से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, ज़बरदस्ती के मदद जो होते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता इतना अच्छा रिश्ता था लेकिन अचानक से क्या हो गया कि रिश्ते में परेशानी आ गया है। तो इससे अच्छा है रिश्ते में रह के ज़बरदस्ती रिश्ते को चलाने से अच्छा है परेशानी को ख़त्म किया जाए और कुछ देर के लिए इस रिश्ते से ब्रेक ले लिया जाए। इस तरह की उनकी करंट फीलिंग्स है। अगर वो ब्रेक में ही है तो आप समझ जाइए कि वो इस तरह की सोच के साथ ब्रेक में है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है, आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मकर राशि के, उनके पर्सन चाहते क्या है। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यार है आप लोगों में। वो चाहते हैं आप जो छुपा रहे हो, जो बात उनसे छुपा रहे हो, जैसा मैंने कहा कि दूसरों की इंटरफेरेंस से आप लोगों का रिश्ता थोड़ी गड़बड़ हो रही है, उनको लगता है कि आप उनके साथ साथ किसी और रिश्ते में भी हो, दो दो रिश्ते के साथ आप जगल कर रहे हो, आप जगलिंग कर रहे हो, ये झूठ जो है वो बाहर आ गया है, या फिर आप उनसे यही बात छुपा रहे हो। तो वो ये चाहते हैं कि ये बात आप उनसे नहीं छुपाए और आप उनसे प्यार जो करते हो या फिर वो आपसे जो प्यार करते हैं उस प्यार के बारे में आपसे वो बताना चाहते हैं।
आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, आप उनका सोलमेट हो, तो फिर आप ये सारी चीज़ों को इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्यों आप उनसे छुपा रहे हो, क्यों आप दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में आओ, प्यार में आओ, और अभी वो ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में जो परेशानी है, जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म हो जाए, जो बात छुपा था वो बात अभी उनको पता चल गया है। तो दुविधा किस बात की, परेशानी किस बात की, क्यों आप इस चीज़ को ढो रहे हो, क्यों आप इस बात को छुपा रहे हो। आप अगर उनसे प्यार करते हो, उनसे भी प्यार करते हो, तो आप उनको खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उनके लाइफ में आप ही सब कुछ हो। उनको लगता है आपसे वो बेहद प्यार करते हैं, आप उनके सोलमेट हो, लेकिन कभी कभी वो ये भी उनको लगता है कि आप किसी और रिश्ते में भी हो। तो ये जो बात है वो चाहते हैं कि ये बात आप उनसे मत छुपाइए, ये बात उनसे सचमुच बता दीजिए कि उनसे आपका रिश्ता किस तरह का है, कितना प्यार आप उनसे करते हो। अगर सचमुच आप उनसे प्यार करते हो तो आप अपने प्यार का इजहार भी उनसे कीजिए, ना कि आप कंफ्यूजन में रहिए। वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हो, क्यों आप चीज़ों को छुपा रहे हो, क्यों आप खुद भी कंफ्यूज हो, उनको भी कंफ्यूज कर रहे हो। उनका तो एम सही है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए आप उनके सोलमेट हो, तो फिर आप क्यों इस रिश्ते को कंफ्यूज बना रहे हो। वो चाहते हैं कि आप जो भी है बाहर खुल के आइए, खुल के बोलिए, कंफ्यूजन में खुद भी मत रहिए, उनको भी मत रखिए। अभी देखते हैं कि इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहने वाला है। इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहने वाला है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स शादी के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन 72 घंटे में वो आपके तरफ आएंगे, आपके साथ शादी के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपको पता है शादी को बचाने के लिए बात करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी करने के बारे में बात करेंगे, प्यार के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। वो चाहते हैं जो हो गया सो हो गया, आपने जिस भी कारण से उनको कंफ्यूज किया, जो भी बात उनसे छुपाया, जो भी हुआ, जो भी परेशानी हुआ, वो सारे चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस बार रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, और इन 72 घंटे में वो आपके साथ मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे पूरी पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए बोल सकते हैं, और खुद भी भूल जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके प्रति उनका जो प्यार, जो अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा है। वो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखता है, आपकी जो डिग्निटी, आपकी जो सुंदरता, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। हो सकता है आप कोई मीडिया पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप खुद कोई मीडिया पर्सन हो, या फिर अपनी सोसाइटी में आप हीरो या हीरोइन की तरह अपने आप को ट्रीट करते हो, कोई सेलिब्रिटी की तरह आप खुद को ट्रीट करते हो। आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर सकता है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, इस तरह से वो आपको देखते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं इन 72 घंटे में आप लोगों में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इन 72 घंटे में वो टेक्स्ट कॉल मैसेज तो करेंगे, आपके पास वो मिलने आ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्लोली आएंगे, क्योंकि ये जो इंसान है, ये स्टेबल इंसान है, वो जो भी बात करेंगे, जो भी करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, बिना स्टेबिलिटी के, बिना खुद को कंफर्म होके, खुद से सही तरह से चीज़ों को नहीं जान के वो आपसे बात नहीं करेगा या करेगी। वो स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, वो कोई ऐसे खिलवाड़ वाला रिश्ता वो नहीं चाहते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस,
और पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों में प्यार है, रिश्ता प्यार का रिश्ता है, तो बातों को पकड़ के मत रखिए, दिल से मत लगाइए, रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए। और आप दोनों ही बहुत हाई क्वालिटी, हाई नॉलेजेबल पर्सन है, इंट्यूटिव है आप दोनों ही, तो आप छोटी मोटे बात को अपने दिल से मत लगा के रखिए, परेशानी को ख़त्म कीजिए। और अगर नई शुरुआत करना है तो दिल से कीजिए, ऐसा नहीं कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए आप जो भी चाहे बोल रहे हो, जो भी चाहे कर रहे हो और मन ही मन प्यार भी कर रहे हो, ऐसा नहीं। दिल से पुरानी बातों को निकाल दीजिए, गीले शिकवे ख़त्म कीजिए, खुद को किसी के हाथों कंट्रोल होने मत दीजिए, ना खुद को किसी को कंट्रोल करने दीजिए, ना आप भी किसी को कंट्रोल करो, ना कोई आपको कंट्रोल करे। नई शुरुआत कीजिए, दोस्ती से रिश्ते को शुरू कीजिए। और आप जो जितना भी आप लोगों ने अपने पोजीशन पाया है, कमाया है, जो कुछ भी किया है, आप लोगों ने मेहनत से किया है, आप लोग नॉलेजेबल हो, आपको पता है किस तरह से रिश्ते को चलाया जाता है, किस तरह से रिश्ते का डील किया जाता है, तो उस तरह से आगे बढ़िए, परेशानी को ख़त्म कीजिए। और एक दूसरे के प्रति अगर इतना प्यार आप लोगों में है, समर्पण है, तो उस भाव से रिश्ते को आगे ले जाइए, ना कि अहंकार से और ना कोई परेशानी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।